अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। भाजपा सरकार के बागपत में खुद के ही कार्यकर्ताओं को अनदेखा करने से पूर्व जिला मंत्री विनोद पांचाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला मंत्री विनोद पांचाल ने कहा कि वह पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पर जिस तरह से पद बांटने के समय उन्हें और उनके विश्वकर्मा समाज को अनदेखा किया गया, वह बहुत ही निराशाजनक था। उन्होंने कहा क्योंकि उनको उनके काम के हिसाब से पद नहीं दिया गया, इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा कर रहे हैं। हालांकि केवल उन्होंने पद से ही इस्तीफा दिया है, पार्टी में वे अब भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वह काम करते रहेंगे। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कहना है पूर्व जिला मंत्री विनोद पांचाल का। मेरा नाम विनोद पांचाल, मैं पिछली कार्यकारिणी में जिला मंत्री था, इस कार्यकारिणी में मुझे जिला मंत्री बनाया गया और मैं इस पिछला जो चुनाव है संगठन का भारतीय जनता पार्टी का, इसमें मजबूत दावेदारी पेश करी जिला अध्यक्ष पद की। और पिछले समाज से दो ही कैंडिडेट थे, मतलब मैं और मौजूदा जिला अध्यक्ष सूरजपाल जी। तो मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि सूरजपाल जी क्यों बना, सूरजपाल जी अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन इस कार्यकारिणी में वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की गई जो कहीं नहीं थे, मतलब वे हमारे से भी ऊपर ले लिए गए। हम 55 साल की उम्र के आदमी हैं और हमने अपना 30 साल का जीवन भारतीय जनता पार्टी में लगाया, RSS में हम रोजाना शाखाओं में जाते हैं। हमने जिला मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से हमने इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी के सिपाही रहेंगे बने। दूसरी पार्टी से लोग आते हैं तो उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है, जो पार्टी के अच्छे बुरे समय में रहते हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और मेरे साथ एक बात और भी है, मैं विश्वकर्मा महासंघ, हमारा जो समाज का संगठन है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उस हैसियत से भी मैं अपने आप को, मैं भी, मेरा समाज भी अपमानित महसूस कर रहा। पूरे प्रदेश में खाली 3 जिलों में कार्यकारिणी में लोग लिए गए, 95 जिला अध्यक्ष बने, 1 जिला अध्यक्ष हमारे समाज से बनाया गया वाराणसी से, हंसराज विश्वकर्मा, बस। वो पहले जिला अध्यक्ष थे मोदी जी के क्षेत्र में, और पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज को दरकिनार कर दिया। और इसके साथ साथ जो अदर समाज के लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ भी रहते हैं, सैन समाज है और ये पाल समाज है, स्वर्णकार समाज है और सैनी समाज है, और बहुत समाज के लोग उनको लिए गए। और जो लोग दिल्ली में रह रहे, जो 25-25 साल, 26-26 साल के बच्चे हैं, वे जिला मंत्री बढ़ाकर बैठा दिए, उपाध्यक्ष बढ़ाकर बैठा दिए, जिन्हें को जान पहचानता नहीं। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।